हेलो सुप्रभात बच्चों, मैं स्वास्तिका त्रिपाठी आपकी हिंदी अध्यापिका डीएसएस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे विषय हिंदी व्याकरण। विषय हिंदी व्याकरण में अध्याय दो, अध्याय दो का अभ्यास कार्य पढ़ेंगे और करेंगे। तो चलिए, प्रश्न पहला है क। सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। प्रश्न पहला है, वर्णों के कितने भेद हैं? भेद मीन्स प्रकार। तो यहां चार विकल्प दिए गए हैं, अ दो, ब चार, स तीन, द एक भी नहीं। तो यहां प्रश्न क्या पूछ रहा है, वर्णों के कितने भेद हैं? तो वर्णों के दो भेद हैं, पहला है स्वर, दूसरा है व्यंजन, इसलिए अ सही है। प्रश्न नंबर दूसरा, दो वर्णों के मेल से बने व्यंजन कहलाते हैं। यहां चार विकल्प दिया गया है, अ स्वर, ब अयोगवा, स संयुक्त व्यंजन, द वर्ण। तो दो वर्णों के मेल से बने व्यंजन का संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? संयुक्त। स सही है। तीसरे नंबर पे आइए, इनमें से अयोगवा कौन से हैं? यहां भी चार विकल्प दिया गया है, अ अ आ ब अं अह स ओ औ द ट ठ। तो इनमें से अयोगवा कौन से हैं? तो ब अं और अह अयोगवा है। ये न स्वर में आते हैं न व्यंजन में, इसलिए इसको अयोगवा माना गया है। प्रश्न चार, ड से बनने वाला वर्ण, अ ढ, ब ड, स ड, द इया। तो ये स सही है। प्रश्न ख, उचित शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो बच्चों देखिए, यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों पे मैं पहले नंबर लिख दी हूँ, कौन सा शब्द किस नंबर में भरा जाएगा। पहला प्रश्न है, मुख से निकली ध्वनियों को क्या कहते हैं बच्चों? मुख से निकली ध्वनियों को वर्ण कहते हैं। प्रश्न दूसरा है, हिंदी में की संख्या 11 है, तो किसकी संख्या हो सकती है? स्वरों की। तो यहाँ स्वर भरा जाएगा, हिंदी में स्वरों की संख्या 11 है। तीसरे नंबर पे आइए, यहाँ को स्वरों की सहायता से बोला जाता है, तो किसको स्वरों की सहायता से बोला जाता है बच्चों? व्यंजनों को स्वरों की सहायता से बोला जाता है। प्रश्न चौथा है, देखिए, छ, त्र आदि वर्ण क्या कहलाते हैं बच्चों? संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। छ, त्र आदि वर्ण संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। पांचवा है, न तो स्वर है और न ही व्यंजन, तो क्या हो सकता है? अयोगवा। अयोगवा न तो स्वर में आता है न ही व्यंजन में। अब देखिए प्रश्न ग, सही कथन के लिए स तथा गलत कथन के लिए ग लिखिए। प्रश्न पहला, वर्णों के टुकड़े किए जा सकते हैं, तो इसको हम ग लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि वर्णों के टुकड़े नहीं किए जा सकते। प्रश्न दो,
वर्ण दो प्रकार के होते हैं। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण दो प्रकार के होते हैं, पहला है स्वर तथा दूसरा है व्यंजन। तो ये स सही। तीसरा है स्वर, व्यंजनों की सहायता से बोले जाते हैं, तो ये गलत है। ये क्या है? ग लिखेंगे, गलत है। स्वर व्यंजनों की सहायता से नहीं बोले जाते हैं, और यहाँ कहा जा रहा है कि बोले जाते हैं, इसलिए इसको हम गलत कर देंगे। प्रश्न चौथा, हिंदी भाषा में व्यंजनों की संख्या 33 है, तो ये क्या होगा बच्चों? सही है। हिंदी भाषा में व्यंजनों की संख्या 33 होती है। पांचवा, क ख ग वर्ण स्वर कहलाते हैं, तो ये भी गलत होगा, क्योंकि क ख ग ये व्यंजन है, स्वर नहीं है। प्रश्न घ, नीचे दिए गए चित्रों के अनुसार वर्णों को मिलाकर के शब्द बनाइए। बच्चों देखिए, यहाँ कुछ चित्र दिए गए हैं, इन चित्रों को अपने कॉपी में आप बनाएंगे भी, और जैसे वर्ण अलग अलग करके लिखे गए हैं, वैसे आप वर्णों को अलग अलग करके भी लिखेंगे और इन वर्णों को जोड़ करके शब्द भी बनाएंगे। तो देखिए, पहले में क्या लिखा है? भ धन अ धन व धन अ धन न धन अ, तो क्या हो जाएगा बच्चों? भ व न। दूसरे में क्या दिया है? ई धन म धन अ धन ल धन ई, क्या हो गया बच्चों? ई म ली इमली हो गया। तीसरे में है ग धन अ धन म धन ल धन आ, क्या हो जाएगा? ग म ला गमला हो जाएगा। चौथे नंबर पे ठ धन अ धन ठ धन ए धन र धन आ, तो ठ ठे रा ठठेरा क्या करते हैं? बर्तन को बनाते हैं। अब देखिए पांचवें नंबर पे ध धन अ धन न धन उ धन स धन अ, तो क्या हो जाएगा? धनुष।